ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। तो ये एक्चुअली एक फ़ैन का मतलब 2D ड्राइंग है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसी से शुरू करते हैं, बाद में हम लोग इसमें आएंगे। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करने के लिए एक सेकंड, बस वेट। हाँ, तो ठीक है, सबसे पहले इसको ड्रॉ करना सीखेंगे हम लोग। तो करना क्या होगा, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रेफरेंस लाइन दिया हुआ है, तो इसको बाद में ड्रॉ करेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट पॉइंट लेते हैं, मतलब स्टार्ट पॉइंट मतलब कहाँ से हम लोग अपना ड्राइंग शुरू करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा मैं साइड कर लेता हूँ ताकि इसका बगल में हम लोग करेंगे, ताकि समझ में आए तुम लोगों को। तो मैं इसको इसका ये सेंटर पॉइंट लेते हुए, एक सेकेंड, मैं ये पूरा ले लेता हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं करता हूँ मूव, इधर सेंटर पॉइंट, और इसको कहीं पे सपोज यहाँ पे प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड ठीक है, तो अभी इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो इसका रिफरेंस सेंटर पॉइंट लेंगे हम लोग। तो सेंटर पॉइंट कहीं पे ले लो, तो चलो मैं इसी इसी से जुड़ा हुआ, तुम कहीं से भी ले सकते हो। अगर तुम लोग जब फ्रेशली शुरू करोगे तो तुमको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ से अलग से, इसका रेफरेंस है नहीं, मैं अलग से लेता हूँ यहाँ पे सेंटर पॉइंट। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले सर्कल कौन सा ड्रॉ करना है हम लोग को, ये वाला जो एकदम इनर मोस्ट सर्कल है, इसको ड्रॉ करना है। तो इसके लिए इसका रेडियस क्या है उसको पता करना पड़ेगा। तो लेट मी गो टू द डायमेंशन ऑप्शंस एंड यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लो रेडियस, इसका रेडियस, ठीक है, सर्कुलर रेडियस। तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करते हुए यू कैन सी इट इज़ 20 फीट का एक सर्कल है, 20 फीट रेडियस का एक सर्कल है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल लेते हैं, कहीं से भी ले लो सेंटर पॉइंट, मैंने यहाँ पे ले लिया, और 20 फीट का मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट, ठीक, इसका बाहर और एक सर्कल तुम देख सकते हो, ये वाला सर्कल है, इसको ड्रॉ करना है। तो इसका रेडियस क्या है, तो वही इसका हम लोग रेडियस पता करेंगे। इसका रेडियस हो गया 35 फीट का। तो चलो हम लोग 35 फीट का और एक रेडियस लेते हैं यहाँ, और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये सेंटर पॉइंट, सेम सेंटर पॉइंट रहेगा इसका, और 35 फीट का और एक रेडियस, ठीक है। एंड इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ रेड कलर का है, तो यहाँ पे उसको हम लोग डार्क रेड में जाते हैं। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हुए, बाय लेयर में जाते हुए ये वाला कलर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। चलो कलर कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यही कलर देना है तुमको, जैसे मैं यहाँ पे वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ एग्जैक्टली इसलिए। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये जो कुछ यहाँ पे रेफरेंस लाइन्स है इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले मैं एकदम स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद उसके हिसाब से मैं बाकी लाइन को ड्रॉ करूँगा। देखो, इसका एक अलग तरीका है ड्रॉ करने का, मैं समझा रहा हूँ। पहले तो तुम सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लो ऑर्थो मोड को ऑन करते हुए। फिलहाल मेरा ऑर्थो मोड ऑन है। एक सेंटर लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, इस तरह से। एंड इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये मैंने इसका कलर कर दिया। अच्छा, तो अभी ये बाकी सब लाइन मुझे यहीं से बन जाएगा। कैसे, जब इसको मैं, जैसे तुमको लास्ट टाइम मैंने दिखा था पोलर एरिया, तो यू जस्ट यूज़ द कंसेप्ट ऑफ पोलर एरिया। सो यहाँ पे हम लोग पोलर एरिया को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए जस्ट कहाँ पे है पोलर एरिया, सॉरी, यहाँ पे है, ठीक है। एंड सिलेक्ट पोलर एरिया एंड इसको क्लिक कर लो। एंड उसके बाद बेस पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, मैंने बोला सेंटर पॉइंट ये होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ मतलब यहाँ पे कितना आएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ पे मुझे 8 करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 है, आइटम मैं करता हूँ यहाँ पे 8। तो देखो ये हो चुका है, एग्जैक्टली वही बन चुका है मेरा। तो पोलर एरे का कॉन्सेप्ट यूज़ कर तुम इसको बना सकते हो, तो एकदम आसान काम हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो बाकी जो पार्ट उसको ड्रॉ करना है मुझे, जैसे यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे पहले एक तुम्हारा जो लीफ है, एक लीफ का काम करेंगे हम लोग यहाँ पे। ये तो पंखे है, एक्चुअली पंखा का लीफ है, तो इसका काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ पे अलग अलग सर्कल का कॉम्बिनेशन है, मैं समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर क्लिक करो तो ये एक सर्कल का पार्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये और एक सर्कल का पार्ट हो गया, ठीक है। अलग अलग सर्कल का यहाँ पे पार्ट है, और इसको अगर क्लिक करूँ तो ये और एक अलग सर्कल का पार्ट है। एंड तो चलो इन तीनों सर्कल को ड्रॉ करने के लिए, तो पहले सबसे पहले इस सर्कल का रेडियस के ये पता करते हैं हम लोग। ये जो सर्कल है इसका रेडियस, तो इसका रेडियस पता करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। और इसका रेडियस क्या, यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसका रेडियस हो गया, सॉरी, ये अंदर तक आ गया। मैं ये लेयर को मैं दूसरा पहले तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, और ये इसको वाइट में कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो सर्कल है
इसका हो गया 30 फीट का, ठीक है। ये 30 फीट ध्यान रखना, ये वाला मैं एक बार यहाँ पे इसको प्लेस कर दूँ ताकि समझ में आए। तीन अलग अलग सर्कल है, ये हो गया 30 फीट वाला, उसके बाद ये एक है, मतलब ये इसको ले लो, ये हो गया 40 फीट का। दिस वन एक ही बात है, ये एक ही मतलब सेम टाइप का सर्कल है। और एक सर्कल हो गया जो कि ये वाला है, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसका हो गया देखो 65 फीट, ठीक है। तीन सर्कल है यहाँ पे, तीन सर्कल का हम लोगों ने कंबाइन किया यहाँ पे। अब ये देखो, सबसे पहले ये दोनों सर्कल को ड्रॉ करना है, तो इसको ड्रॉ करना, इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा? यहाँ पे देख सकते हो कि ये सर्कल का सेंटर पॉइंट हो गया ये। मैं एक बार फिर से दिखा दूँ ताकि दिक्कत ना हो समझने में। देखो ये मैंने लिया, इसका सेंटर पॉइंट कौन सा होगा? देखो ये दिखा रहा है, ये वाला सेंटर पॉइंट है, ठीक है। ये दिस वन, मैं एक बार पूरा रिपीट कर दूँ चीज प्रोसेस को, तब समझ में आएगा। जैसे इसका सेंटर पॉइंट कौन सा है पता है ना मुझे, तो यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो ये प्लस आ रहा है ना, तो ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन हो रहा है दोनों, एक सर्कल का लाइन और सेगमेंट और ये जो लाइन, तो यही होगा क्या? सेंटर पॉइंट। इसका सेंटर पॉइंट को लेते हुए यहाँ पे 30 फीट का मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना, मतलब मीन्स इसको सेंटर पॉइंट लेते हुए 30 फीट में मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है। चलो यहाँ पे हम लोग उसी को करते हैं, सेंटर पॉइंट इसको लेते हुए 30 फीट का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। पहला काम हो गया, इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट सर्कल इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो इसका सेंटर पॉइंट यही है और इसका 40 फीट का है। चलो तो इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग, सेम सेंटर पॉइंट को लेते हुए 40 फीट का और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 40 फीट। दैट्स ऑल। नाउ व्हाट यू टू डू, अभी करना क्या हम लोग को, यहाँ पे देखो ये सेक्शन चाहिए हम लोग को, ओनली दिस सेक्शन, क्योंकि ये सर्कल इतना सही है, यहाँ तक है, देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये पूरा कंटिन्यू नहीं है सर्कल, ये दूसरा सर्कल है, ये अलग वाला सर्कल है, ये एक सेपरेट सर्कल है। तो यहाँ पे इसको ये सब पार्ट को क्या करना है, ट्रिम कर देना है इस सर्कल का, तो ये सब पार्ट को। और इसका कौन सा देख लो, इसका यहाँ से ओनली यहाँ तक, मतलब ये ऊपर वाला सर्कल का यहाँ से लेकर के ओनली अप टू हियर, ठीक है, यहाँ तक। तो बाकी इस पार्ट को हम लोग क्या करना है, ट्रिम करना है। तो ट्रिम करने के लिए ट्रिम कमांड को ले लो, और ट्रिम कमांड मेरा एक्टिवेट हुआ नहीं, टी आर आई एम ट्रिम कमांड। तो इसका हम लोग जो इनर ये वाला है, इसका हम लोग यहाँ तक रखेंगे, तो यहाँ तक रखेंगे, और ये तुम्हारा इसका यहाँ तक, ठीक है। और ये जो है ऊपर वाला का, यहाँ से शुरू होगा और ये आप लोग कहाँ तक आएगा, मेरे ख्याल से यहाँ तक आएगा, आई थिंक दिस मच, हाँ यही होगा, देख सकते हो वहाँ से आ रहा है ये, दैट्स ऑल, ठीक है। और इधर यहाँ पे इसको मैं ये छोटा सा हल्का सा जगह यहाँ पे इसको साफ कर देना है बस, ठीक है। बाकी पार्ट को तुम डिलीट कर दो, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, ये हो जाएगा डिलीट, ये सिलेक्ट कर दिया डिलीट, और ये सिलेक्ट कर दिया डिलीट। बस इतना सा पार्ट मुझे रखना है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट क्या हो गया, मुझे करना है इस ये वाला सर्कल को ड्रॉ करना है यहाँ पे, इस पार्ट को, ठीक है, इसको ड्रॉ करना है। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसको ड्रॉ करने के लिए देख लेते हैं इसका रेडियस सेंटर पॉइंट क्या है, और सॉरी इसको नहीं, इसको करना है मुझे, ठीक है। तो इसको करना है, तो इसका हम लोग चेक करते हैं, ये सेंटर पॉइंट होगा इसका, और 65 फीट का सर्कल होगा यहाँ पे। चलो सेंटर पॉइंट ये होगा और 65 फीट का एक सर्कल होगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इस सर्कल का कितना सा मुझे चाहिए, ओनली यहाँ से लेकर के, मतलब समझ लो यहाँ तक चाहिए, फ्रॉम हियर अप टू हियर, ये वाला सेक्शन चाहिए मुझे, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो बाकी पार्ट को हम लोग ट्रिम कर लेंगे, ट्रिम करेंगे। तो यहाँ पे इसको ट्रिम कर लेते हैं और यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है, और हो गया ये पार्ट बन गया मेरा। तो ये जो है एक्चुअली क्या है, ये भी सेम है, ये जो सर्कल है, ये सर्कल, ये सब सेम ही है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ या रिपीट करता हूँ मैं इसको, तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, एक काम करते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं पोलर एरे अपने आप से यहाँ पे आ जाएगा, या तो इसको तुम यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दो, एक ही बात है, बहुत सारा तरीका है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पोलर एरे की कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए इसको यहाँ पे डाल दूंगा, कोई भी तरीका है, या तो मूव कर दो, कॉपी कर दो इसको यहाँ से, ठीक है। तो चलो या तो मैं एक बार यहाँ पे इसको यहाँ से बेहतर होगा मैं इसको ये कर दूँ, मूव करके देखूँ एक बार, मूव मैं ये पॉइंट ले लिया और ये मैंने नहीं, ये ओरिएंटेशन, इसका एक काम करते हैं हम लोग, करते हैं पोलर एरे, ठीक है।
एरे टाइप करो, या तो ऐसे भी कर सकते हो पोलर एरे को एरे टाइप करो, ए आर मतलब एरे, उसके बाद सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को, मैंने ये ऑब्जेक्ट को पोलर एरे करना है, इसको क्लिक कर लिया, फिर क्या करना है मुझे पोलर एरे, एक ही बात है, या तो यहाँ से सिलेक्ट करो या तो ये अलग तरीका है पोलर एरे, उसके बाद स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट कौन सा होगा पोलर एरे का, डेफिनेटली यही होगा, एंड ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो देखो इस तरह से बन गया, ठीक है ना। हाँ ठीक है, उसके बाद ये कुछ यहाँ पे मैच नहीं हो रहा मुझे लग रहा है। अच्छा ओ सॉरी, इसका आइटम का बात है, यहाँ पे कितना आइटम देख लेते हैं हम लोग, एक दो एक दो तीन चार आइटम होगा, एक्चुअली यहाँ पे सिक्स आइटम है इसीलिए इसे हो रहा है। हाँ सिक्स आइटम मैंने कर दिया, ओ सॉरी फोर आइटम होगा, हाँ अभी सही है, फोर आइटम हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको करता हूँ मैं डिलीट, अच्छा हो गया। जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी को पोलर एरे में पोलर एरे के थ्रू से इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो पोलर एरे तो इम्प्लीमेंट हो चुका है, इसको मैंने पोलर एरे के थोड़ा यूज़ करते हुए फोर टाइम्स इसको रिपीट कर दिया, ठीक है, यूजिंग टेकिंग दिस पॉइंट एज अ सेंटर पॉइंट, बट व्हाट इज द रिजल्ट, यू कैन सी ऑल दिस फोर सेगमेंट और दिस फोर लाइन सेगमेंट, नॉट लाइन सेगमेंट, कार सेगमेंट एज बिकम टू एन सिंगल ऑब्जेक्ट, तो वी हैव टू सिंपली एक्सप्लोर इट, ओके। इसको क्या करना पड़ेगा अभी हम लोग को एक्सप्लोर करना है, तो एक्सप्लोर करने के लिए क्या करना है, इसको जस्ट सिंपली दैट मीन्स क्या कि इसको हम लोग सेपरेट सेपरेट लाइन बनाना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करो एंड एक्सप्लोर ई एक्स पी एल ओ डी ई एक्सप्लोर, ठीक है, तो ये अभी सेपरेट सिंगल लाइन बन जाएगा देखो, ठीक है। तो अभी करना क्या हम लोग को, बाकी सब लाइन को यहाँ से कर देना है डिलीट, ये सबको सिलेक्ट करते हुए जस्ट सिंपली सिलेक्ट ऑल दिस लाइन्स एंड डिलीट, एंड द फाइनल पार्ट इज व्हाट, फाइनल पार्ट क्या है यहाँ पे, हाँ तो ऑलमोस्ट एक एक पार्ट को ड्रॉ, अभी इसको फिनिशिंग देना है, तो फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे देखना है, देखो ये तो ये एक यहाँ पे भी एक सर्कल बन रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग को इसका सर्कल का रेडियस क्या है देखना है, वी हैव टू सी व्हाट इज द रेडियस, तो इसका रेडियस हो गया 5 फीट का, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे देखो इसका रेडियस क्या है, इसका भी 5 फीट है, और इसका रेडियस चेक करो, ये जो है इसका भी 5 फीट है, तो तीनों का 5 फीट है, तो 5 फीट में मुझे इसको या तो सर्कल ड्रॉ कर लो, या तो एक तुम क्या कर लो, इजी तरीका है फिलेट अप्लाई कर दो, फिलेट फिलेट एंड देन प्रोवाइड रेडियस, रेडियस इज 5 फीट, एंटर एंड देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जैसे पहला ऑब्जेक्ट ये होगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट ये है, तो ये हो गया यहाँ पे एक पार्ट, फिर अगेन रिपीट फिलेट कमांड, फर्स्ट लाइन उसके बाद ये होगा सेकेंड लाइन, रिपीट फिलेट कमांड, दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द सेकेंड, सो दैट्स ऑल, ये एक कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको मुझे क्या कर देना है, रिपीट करना है, मतलब यूजिंग पोलर एरे, सिंपली सिलेक्ट पोलर एरे और ये पूरा का पूरा आइटम को मुझे सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये मैंने ये एक पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड फोर्थ, ये और ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, एंटर, उसके बाद सेंटर पॉइंट ऑफ द पोलर एरे, ये सेंटर पॉइंट होगा, और कितना टाइम होगा यहाँ पे, कितना टाइम है, 4 टाइम्स, तो यहाँ पे ये टाइप 4, सो दैट्स ऑल, सो इट्स ऑल डन, हो गया ये, सो दिस इज हाउ टू, दैट्स ऑल, हो चुका है, ठीक है। चलो हम लोग अगला प्रोजेक्ट के ऊपर आगे चलते हैं, ये तो हो चुका है प्रोजेक्ट, तो इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली क्या है, ये सब ड्रॉ करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा मेन चीज़ है कमांड का, तुम्हारा कितना ये जो यहाँ पे जितना भी आइटम्स है, टूल्स है, कमांड्स है, तुम कितना तुमको इसके ऊपर तुम्हारा नॉलेज है, यही तुमको पता चलता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये ड्रॉ करना कोई बड़ा काम नहीं है, और कॉन्सेप्ट ड्राइंग का कॉन्सेप्ट होता है, देखो दिखने में तो आसान लग रहा है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट ये ड्रॉ करने का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको तुमको समझना है, किस तरह से इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है, ड्रॉ करना है, वही समझना है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर तुम देखो बिना कॉन्सेप्ट का इसको ड्रॉ करने जाओगे तो पॉसिबल नहीं, तुम इसको एज इट इज़ ड्रॉ कर पाओगे, नेवर नेवर पॉसिबल, तुम कभी भी ड्रॉ नहीं कर पाओगे इसको इस तरह से एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट चाहिए यहाँ पे, किस तरह से कौन सा कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ड्रॉ करने, वो सबसे ज़रूरी चाहिए यहाँ पे। तो देखो दिखने में तो कुछ भी नहीं है, नथिंग है, ये क्या है, ये कुछ भी एक सिंपल ऑब्जेक्ट है, लेकिन यही होता है, इसको ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट मेन है। जब तुमको पता चल जाएगा तो तुम कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से ड्रॉ कर पाओगे, ये तो 2D में कर रहे हैं, तो इस तरह से 2D में तुम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर पाओगे। चलो अगला प्रोजेक्ट, इसीलिए मैं अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ये एक प्रोजेक्ट ले लिया, ये एक ले लिया, लास्ट टाइम एक लिया था, आज इसके ले लिया मैंने, चलो अगला प्रोजेक्ट इसके है, इसके ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले देखो जब भी कोई काम शुरू करना है उसका सेंटर पॉइंट को डिफाइन कर लो, मतलब कहाँ से हम लोग काम को शुरू करेंगे। सबसे पहले डेफिनेटली यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे भी इस तरह का कुछ सर्कल्स है, तो यहाँ पे हम लोग इस सेंटर पॉइंट को ले लेंगे इसको,
तो चलो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं इसके सेम, यहाँ पे भी वही काम करते हैं हम लोग। तो पहले ये वाला सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसका रेडियस क्या पता कर लेते हैं। अच्छा जब तुम लोगों को ड्रॉ करना होगा, जब तुम लोगों को, मैं एक काम करना, मुझे मेल आईडी सेंड कर देना, मैं ये सब जो है मैं तुम लोगों को सेंड कर दूंगा, और तुम लोग इसको देख के अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना। फिलहाल बिन तुम ओनली देख के नहीं कर पाओगे, इसका तुमको एक पास सैम्पल रहना पड़ेगा। तो मुझे व्हाट्सएप में मेल आईडी सेंड कर देना, मैं सबको ये सैम्पल जो भी मेरे पास है मैं सेंड कर दूँगा। चलो तो अभी मैं, उसके बाद तुम लोग खुद ही प्रैक्टिस करना उसको। तो मैं अभी इसको ड्रॉ करता हूँ। तो पहले एक सर्कल ले लेंगे यहाँ पे, कहीं पे भी बगल में लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको मैंने सर्कल, चलो एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग सर्कल को ड्रॉ करेंगे। समझ लो यहीं पे कहाँ पे हम लोग काम को शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक सर्कल, अच्छा पहले इसका रेडियस क्या वो पता कर लिया हम लोग। इसका रेडियस हो गया 16 फीट का, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल ले लिया मैंने यहाँ से, और ये 16 फीट का मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। फिलहाल अभी इस लाइन को हम लोग डिलीट कर देंगे, जस्ट रिफरेंस के लिए लिया था। उसके बाद इसका ठीक ऊपर देखोगे तो यहाँ पे और एक सर्कल है, तो इसका रेडियस क्या पता करेंगे हम लोग। इसका रेडियस हो गया 21 फीट का, तो चलो 21 फीट का और एक रेडियस ड्रॉ करते हैं हम लोग, सॉरी सर्कल ड्रॉ करते हैं 20। सो ये हो गया, ये पार्ट हो गया, देन दिस वन, इसका रेडियस क्या है 32 का। चलो 32 का और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम लोग, 32 फीट, देन ये वाला, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस एक कहते हैं हम लोग 40। तो हम लोग इसको और एक ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 40 का, 40 फीट का, दैट्स ऑल। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी इसका बाहर जाएंगे हम लोग। इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, तो ये सब जो डिज़ाइन है इसका अंदर का, इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग। तो देख, अगर देख सकते हो तो तुम, ये तो आउटर सर्कल हो गया, ये एकदम इनर सर्कल है। तो ये जो बीच वाला है एरिया है, इसमें कुछ डिवाइड किया गया है इसको इस तरह से। तो ये कितना का गैप है इसको पता करना हम लोग को यहाँ पे, हर ये जो सेक्शन में डिवाइड हुआ है यहाँ पे, ये कितना गैप है यहाँ पे, तो इस गैप को कितना गैप है इसको पता करना है। तो यहाँ पे हम लोग डायमेंशन लेते हैं इसका, कितना है डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन में जाओ और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, देखो 6 फीट का गैप है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 6 फीट का गैप है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने लाइन कमांड को ले लिया, और यहाँ से मैं शुरू करता हूँ रेफरेंस लाइन को, कहीं समझ लो यहाँ से मैंने एक रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लिया, जस्ट रेफरेंस के लिए, ठीक है। एक इधर से ड्रॉ किया और एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, सपोज यहाँ से यहाँ तक, दैट्स ऑल। ध्यान रखना ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका एक तरीका क्या है मैं एक बार सिखा दूँ। देखो मैं जब मुझे जस्ट ये लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं लाइन को कहाँ से शुरू करूँगा, स्ट्रेट इस पॉइंट का एकदम स्ट्रेट। देखो ये तुमको ग्रीन लाइन दिख रहा है यहाँ पे, ये ग्रीन लाइन अपीयर हो रहा है, मतलब क्या है कि मैं जहाँ से भी क्लिक करूँ वहीं से मेरा इसका एकदम ये एकदम इसका ये जो है ग्रीन लाइन, ये देख सकते हो तुम। तो जहाँ से भी मैं क्लिक करूँ वहीं से मेरा लाइन शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लाइन होगा एकदम इसका ये जो है सेंटर पॉइंट का स्ट्रेट में रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से मुझे यहाँ से करना है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और ये मैंने जब ये रेफरेंस के लिए लाइन ड्रॉ कर लिया। चलो अभी इस रेफरेंस लाइन को हम लोग एक काम करेंगे, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर हम लोग वही डाल देते हैं क्योंकि ये तो अभी हम लोग को यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, जैसे रेफरेंस के लिए यूज़ करना है। तो मैं इसको कलर समझ लो कि ये करता हूँ, चलो येलो करता हूँ, ठीक है। बाद में इसको हम लोग डिलीट कर लेंगे। अच्छा उसके बाद ये कितना है, ये 6 फीट का है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर है, यहाँ पर एक बीच में लाइन हुई, तो छोड़ दो इसको, रेफरेंस लाइन ये यहाँ पर 6 फीट का है। दैट मीन्स ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसका इधर से 3 फिट और इधर से 3 फिट का मुझे एक लाइन ड्रॉ करना होगा, ठीक है, तब 6 फिट हो जाएगा मेरा। तो क्या करूँगा मैं उसके लिए करता हूँ, एक लाइन पहले ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, बाद में इसको मैं डिलीट कर दूँगा। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ किया, और करता हूँ मैं ऑफसेट। ऑफसेट तुम लोग को मैंने सिखाया था, ऑफसेट 3 फिट, 3 फिट कर दिया। फिर यहाँ से मैं इधर तक 3 फिट, इधर से यहाँ तक 3 फिट, तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 6 फिट का गैप हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे था ये 6 फिट का गैप हो गया। ओहो मैंने गलत जगह कर दिया, इसको मुझे एक्चुअली नीचे करना है, मैंने ऊपर कर दिया। चलो तो मैं रिपीट करता हूँ इसको, फिर से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और ये जो लाइन है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। हाँ मुझे इसमें करना है, ठीक है। और फिर करता हूँ मैं ऑफसेट 3 फिट का, फिर यहाँ से इधर तक 3, इधर से 3 फिट हो गया, 6 फिट हो गया। तो इधर से यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, टोटल 6 फीट हो गया। और ये जो है इसको डिलीट कर देंगे,
ठीक है, इसको डिलीट कर देंगे हम लोग, इसको कर देंगे डिलीट, हो गया। अभी क्या करना है, सिंपली तुमको यही पार्ट रिपीट करना है एक बार। यहाँ पे कितना बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 टाइम रिपीट हो, तो इसको 6 टाइम रिपीट करना है यूजिंग पोलर एरे। हम इसको रिपीट करेंगे तो इसको कॉपी कर लेते हैं यूजिंग पोलर एरे, सेंटर पॉइंट डिफाइन करो ये होगा, और कितना टाइम रिपीट करना है, 6 टाइम, ऑलरेडी 6 हो चुका है यहाँ पे देखो, तो ये मेरा ये हो चुका है देखो इस तरह से, ठीक है ना। ये अभी क्या करना है, बाकी पार्ट को मुझे ट्रिम करना है, तुमको समझ में आ ही रहा है, वो तो आसान काम है ट्रिम करना। ट्रिम करेंगे कौन सा पार्ट को, ये सब सेक्शन को मुझे कर देना है ट्रिम। ओह सॉरी, मेरा पूरा सर्कल ट्रिम हो गया यहाँ पे, ये सर्कल क्यों जा रहा है, चलो इसको बाद में देख लेंगे हम लोग। मुझे इतना सा ही ट्रिम करना है एक्चुअली, इसको ट्रिम करेंगे हम लोग, ये पूरा सर्कल को ले रहा हूँ। चलो ऊपर वाला पार्ट को हम लोगों ने ट्रिम कर लिया, अभी नीचे वाला पार्ट को ट्रिम करना है। एक्चुअली ये मेरे ख्याल से लाइन इंटरसेक्ट किया नहीं, यहाँ पे ये देखो गैप रह गया, गलत हो गया मेरा यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ये पूरा लाइन सर्कल वो हो रहा था। इसको करेंगे क्या, एक बार हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, TEND एक्सटेंड, तो ये पहले तुम लोग ठीक कर लेना, मेरा तब मैंने पहले लाइन ड्रॉ किया तब थोड़ा यहाँ पर गलत हुआ था मेरा। अरे भाई एक्सटेंड, ठीक है ये मैं इसको करता हूँ। ओहो बहुत बड़ा मिस्टेक, इधर से भी नीचे आ गया ये, कहाँ पे गलती हो गया मेरा। ओहो अभी तो देखो मैंने इसको एक बार काम करते हैं, रिपीट करते हैं इस प्रोसेस को हम लोग, फिर से इसको मैं बैक करता हूँ, थोड़ा मैंने यहाँ पे गलती हो गया, तो फिर से करूँगा मैं इसको, पहले मैं इसको ठीक कर लूँ, ठीक है। एंड ये जो है, और ये इधर थोड़ा नीचे आ गया, आई थिंक अभी सही होगा, फिर भी नहीं हुआ, फिर भी इसको हम लोग करते हैं ट्रिम, चलो एक्सटेंड करते हैं, EXTEND एक्सटेंड करेंगे इसको हम लोग, और इसको भी एक्सटेंड करेंगे, और नीचे देखो यहाँ पे कुछ सेक्शन निकल के आ गया, इसको कर लेंगे ट्रिम, दैट्स ऑल हो गया। अभी एक बार देखते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रिम होता है कि नहीं, फिर इसका हम लोग कर देंगे पोलर एरे की मदद से। हाँ अभी होगा, ठीक है अभी हो रहा है, तो चलो इसको फिर से हम लोग करते हैं पोलर एरे। तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, और फिर पोलर एरे सेंटर पॉइंट ले लिया, आइटम 6 ही होगा यहाँ पे, रहने दो सर, अभी करेंगे ट्रिम। तो इन सब पार्ट को हम लोग करेंगे ट्रिम, दैट्स ऑल हो गया। तो ये भी हो गया हम लोग का, अभी आगे जाते हैं हम लोग, तो अंदर वाला काम हो गया, यहाँ तक का काम हो गया। अच्छा उसके बाद ये कैसे ड्रॉ करना है, अभी यहाँ पे अभी थोड़ा इशू आएगा करने में, तो सबसे पहले ये सर्कल ड्रॉ कर, एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। अभी ये सर्कल एग्जैक्टली कौन सा पोजिशन पर, वो पोजिशन हम लोग को पता करना है, मतलब यहाँ इसमें से ये जो सर्कल है तो मतलब कितना इसका डिस्टेंस है, देखो इसको पता करने के लिए करिए जो ये सर्कल है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए काम करते हैं, मैं ये पुराना वाला, मैं यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ, इस लाइन को अभी फिलहाल डिलीट करते हैं हम लोग यहाँ से। जैसे यहाँ से इसका कितना है, जैसे मैं पीछे एक बार दिखा दूँ, यहाँ से इसका हो गया डायमेंशन लेके देखो, यहाँ से लीनियर डायमेंशन, यहाँ से इसका गैप हो गया तुम्हारा 60 का, और फिर यहाँ से इधर से हो गया तुम्हारा ये, हो गया ये 50 का, ठीक है। तो 60 एंड 50, चलो तो इसके लिए काम करेंगे, एक लाइन लेंगे हम लोग और इसका सेंटर पॉइंट को लेंगे, नीचे आएंगे, ग्रीन लाइन तुमको दिख रहा है तो 60 टाइप कर दो, 60 फीट नीचे एक पॉइंट क्रिएट होगा 60 फीट। तो इधर से मैं इसको नीचे आऊँगा, फिर इधर से जाऊँगा मैं, और इधर से मैं टाइप करूँगा 50 फीट, ठीक है। तो ये हुआ, तो इधर से 50 और इधर से 60, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सर्कल का रेडियस कितना है देखो, सर्कल का रेडियस मैं एक बार चेक कर लूँ यहाँ पे, ये सर्कल का रेडियस हो गया, सर्कल का रेडियस हो गया 15 का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 15 फीट इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए मैं एक 15 फीट का सर्कल ड्रॉ करता हूँ। इस बार चेक करेंगे हम लोग ये सब कुछ सही है कि नहीं, तो मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर लूँ, डायरेक्ट बिना लाइन का भी चेक कर सकते हो, फिर भी मैं एक लाइन ड्रॉ करके समझा दूँ। एंड मैं यहाँ से और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ रेफरेंस के लिए, तो देखो इसको चेक करते हैं, ये इधर से 60 इधर से 50 हुआ कि नहीं,
तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया 60, और फिर यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया 50। चलो ये सर्कल हो गया। अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसका जो ऊपर वाला सर्कल है इसको ड्रॉ करेंगे। तो इसका कितना है, इसका हो गया तुम्हारा, मैं भूल गया, फिर से मैं चेक करता हूँ, इसका इसका हो गया रेडियस 21। तो 21 का हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, 21 फीट का हो गया। उसके बाद इसको रिपीट करना है यहाँ पे इधर से, ठीक है। तो रिपीट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा मिरोर, मिरोर। तो ये दोनों को सिलेक्ट कर लो पहले, और इसको सेंटर पॉइंट लेते हुए ये तुम्हारा बेस पॉइंट होगा मिरोर लाइन का, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा, सॉरी मैं कहाँ पे दिया इसको, रिपीट करता हूँ, मिरोर, मिरोर, MIRROR, मिरोर। और बेस पॉइंट को हम लोग लेंगे ये वाला बेस पॉइंट, दिस इज द बेस पॉइंट, ठीक है। ये आएगा तुम्हारा ये वाला इस तरह से, एंड इसको नो कर दो। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे एक मिरर कॉपी बन चुका है। तो ऊपर बनाएंगे हम लोग इसको, बेस पॉइंट लेते हुए ऊपर बनाएंगे। यहाँ से इसका जितना डिस्टेंस है यहाँ से भी उसका उतना ही डिस्टेंस है। ये मैंने यहाँ पे क्यों लिया इसको बेस पॉइंट, मिरर पॉइंट, क्योंकि ये जो गैप है यहाँ पे सेम गैप है, ठीक है। मैं एक बार दिखा दूँ फिर भी, ताकि कन्फ्यूज़ ना हो। यहाँ पर देखो ये 50 हो गया, तो इधर से भी यहाँ से भी अगर देखोगे तो ये 50 है, तो सेम, इसलिए मैंने इसको मिरर पॉइंट ले लिया। और इधर से भी अगर देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक 60 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 60। तो मतलब इसको मिरर पॉइंट लेंगे हम लोग, तो ऊपर वाला कॉपी करेंगे। तो ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, मिरर, मिरर, और इसको बेस पॉइंट ले लो मिरर का, और ऊपर में इस तरह से, ठीक है। और इसको करते हैं नो। भाई ये फ़ोन बहुत तंग करता है, एक सेकंड रुको। हाँ तो बाकी क्या करना है, अभी देखो ये पार्ट तो हो चुका है। अभी करना क्या हम लोग को, देखा है यहाँ पे ये इस सेक्शन को क्रैक बनाना है, अभी इस सेक्शन को बनाना है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, देखो यहाँ पे भी एक सर्कल है। तो देखते हैं हम लोग ये इसका रेडियस क्या है, पहले ये पता कर लेते हैं हम लोग ये सर्कल का रेडियस क्या है। तो इसका रेडियस पता करने के लिए फिर से हम लोग यहाँ पे रेडियस को लेंगे, कहाँ गया रेडियस ये, ठीक है। और इसका रेडियस कितना है, देखो 20 फीट का यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, देखा ना, रेडियस 20 फीट का है। तो चलो इसको यहाँ पे इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, अभी सवाल ये है कैसे ड्रॉ करें अभी। तो ये जो सर्कल बन रहा है, ये देखो ये जो सर्कल बन रहा है, ये सर्कल और ये सर्कल, ये दोनों को सरफेस को टच करते हुए ये सर्कल बन रहा है, तो समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो सर्कल ड्रॉ करेंगे इसका मुझे सेंटर पॉइंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि ये जो सर्कल बन रहा है इसका इसका इस सर्कल को और इस सर्कल को टच करते हुए ये सर्कल बन रहा है। तो मुझे दो पॉइंट तो मिल ही रहा है, ठीक है। और ये सर्कल का टेंजेंट, ये टेंजेंट के हिसाब से सर्कल बन रहा है, इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट को लेकर ये सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करा जैसे तुमको पहले नहीं मिला था, आज समझ में आ जाएगा। ये था ये जो ऑप्शन है 10 10 रेडियस, मतलब दो सर्कल का टेंजेंट होगा ये, देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे इसको सिंबल देके रखा है, तो इस तरह से ये, ठीक है। तो मेरे एक बार ड्रॉ करके दिखा दूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ 10 10 रेडियस वाला ऑप्शन को, सर्कल ड्रॉ करने का जो 10 10 रेडियस वाला ऑप्शन है इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। मतलब ये टेंजेंट और उसके बाद रेडियस देना है। तो रेडियस कितना, एक बार भूल गया मैं, फिर से चेक कर लूँ, रेडियस है 20 फीट का था ये, हाँ 20। तो चलो ड्रॉ करते हैं सर्कल को यहाँ पे 10 10 रेडियस। तो इसे यहाँ पे इसका सरफेस और इसका कोई भी एक पॉइंट में क्लिक कर लो, इसका सरफेस का कोई भी एक पॉइंट और इसका सरफेस का कोई भी एक पॉइंट, इस तरह से क्लिक कर लो। और अभी दो तुम रेडियस, मैंने रेडियस कितना था 20 फीट का, तो ये देखो ये बन गया, ठीक है, 10 10, ये सर्कल बन चुका है। अभी करना क्या है, यहाँ पे बाकी जो पार्ट उसको हम लोग को ट्रिम कर देना है। तो ट्रिम कर दो, यहाँ पे ट्रिम करते हैं हम लोग बाकी पार्ट को। ट्रिम करने के लिए ये इसको ट्रिम करता हूँ, ये ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया ट्रिम, ठीक है। और हल्का सा यहाँ पे मुझे ट्रिम करना पड़ेगा, देख सकते हो तुम यहाँ पे, ये इसको मुझे ट्रिम करना है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सही है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो ये एक पार्ट बन चुका है, बाकी तो क्या करना है, मिरोर कर दो इसको ही, बाकी सबको बस मिरोर कर दो, यहाँ पे मिरोर करो, मिरोर, बाकी सब अपने आप से बन जाएगा। देखो तो सेंटर पॉइंट कौन सा लेना है मुझे, तो समझ में आ ही रहा है, मिरोर मेरा सेंटर पॉइंट इसी को तुम ले लो, नहीं तो। और ये देखो ये एक पार्ट मेरा बन चुका है, इसको नो करते हैं, फिर इसको ऊपर कॉपी कर दो, यहाँ पर सेम हो जाएगा, ये मिरोर करेंगे इसको, कॉपी मतलब मिरोर करेंगे, मिरोर करेंगे इसको, इसको ऊपर हम लोग मिरोर करेंगे, और सेंटर पॉइंट को ये ले लिया मैंने, और ये ऊपर बन गया। तो एक ही बार मेरा, सॉरी, ये मैंने लिया मिरोर, ठीक है, और इसको सेंटर पॉइंट ले लिया, और ये, ठीक है। तो ये पॉइंट बन चुका है मेरा। अभी क्या रह गया है, अभी मुझे यहाँ पे एक सर्कल, दो सर्कल दिख रहा है, ये सब सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल इसका तुम ये पता कर लो कितना इसका ये, मतलब इस यहाँ पे इसका कितना लेंथ है।
तो देखो मैं अगर इसका ये लिनियर डायमेंशन लेके देख लिनियर डायमेंशन को लेते हैं, पता करूंगा मैं यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस हो गया 70 फीट का। तो 70 फीट डिस्टेंस से हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा सेंटर रेडियस वाला, और रेडियस कितना है देख लो इसका एक बार। रेडियस 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 पता करेंगे इसका हम लोग। इसका रेडियस हो गया 15 का। चलो तो सर्कल लेंगे सेंटर रेडियस का, यहाँ से कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना 70, ठीक है। तो इसको मैं एक बार डिलीट कर दूँ। सर्कल ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक 70 मुझे आना है इधर से। तो भाई माउस को मिल जाए मेरा 70 फीट टाइप करो तो हो गया। और उसी के लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, 15 फीट का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। हो गया, अभी एक बार चेक कर लो इसको तुम कि ये सही सही है कि नहीं डिस्टेंस इसका, यहाँ से यहाँ तक 70 है। चलो उसके बाद इसका ऊपर वाला सर्कल कितना है, इसका रेडियस पता करो। ऊपर वाला सर्कल का हम लोग रेडियस पता करेंगे, ऊपर वाला सर्कल का ये हो गया 20 का। तो चलो एक सर्कल लेते हैं यहाँ से और 20 फीट का और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। बाकी तो इसको बस मिरर कर दो इधर में, यहाँ पे ये वाला कभी बन जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ मिरर मिरर। देखो मिरर भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत जगह उसको यूज़ करना पड़ता है बहुत समय। ये हो गया उसका मिरर, ठीक है। चलो अभी ऑलमोस्ट हो चुका है, इसको फिलहाल यहाँ से कर देते हैं डिलीट, इसको भी यहाँ से कर देते हैं डिलीट। तो मेन तो फ्रेम बन चुका है, अभी बस ये सबको मुझे टच कराना है, यहाँ पे इसको लिंक कराना है, ठीक है। और बाकी सबको मुझे ट्रिम करना है। तो ट्रिम करने से पहले इसको मैं यहाँ पे लिंक कर लूँ। तो लिंक करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, एक पार्ट को मैं बाकी कर, बाकी अपने आप से बन जाएगा। जैसे मैं समझ लो इसका किसी एक पॉइंट से, यहाँ पे किसी एक पॉइंट में इसको टच कराता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा अभी हम लोगों को। तो थोड़ा इसको ऊपर लेके जाओ, थोड़ा जूम करते हुए देखो ये सही है कि नहीं। देखो जहाँ तक ये मैच होता है उसको ऊपर लेके जाओ, बस इतना सा देखो ताकि ये क्रॉस ना करे इसको। अभी सही है। एंड यहाँ पे देखो थोड़ा ऊपर ये जा सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। नहीं यहाँ पे नहीं होगा, हम लोग यहीं पर इसको टच कर सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक अभी सही है ये, ठीक है। ओके यहाँ पे थोड़ा अगर एडजस्ट हो सकता है तो हम लोग कर लेंगे इसको फिर से। जूम कर लो थोड़ा इसको, कितना दूर आ सकता है देखो ये, दैट्स ऑल सही रहेगा। हो गया, बस इसको क्या करना है अभी हम लोग को, यहाँ से इसको मिरर कर देना है, ठीक है। इसको करना है मिरर। तो मिरर करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट कर लो एंड मिरर सेंटर पॉइंट को ये ले लो, और ये एक पार्ट बन गया मेरा। फिर ये दोनों को कर दो मिरर, ये दोनों को करेंगे मिरर मिरर। सेंटर पॉइंट को ये ले लो, ये हो गया दूसरा पार्ट, ठीक है। बाकी पार्ट को मुझे ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के लिए ट्रिम, कौन सा ट्रिम, यहाँ पे देखो ये खाली है ना, तो ये बस इसको ट्रिम कर देना है मुझे, यहाँ से इसको ट्रिम कर देना है, इसको ट्रिम कर देना है, इसको ट्रिम कर देना है। तो आई थिंक ये ऑलमोस्ट हो चुका है हम लोग का।